नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शारदीय नवरात्र के छठे दिन मां के षष्ठम स्वरूप मां कात्यायनी की हुई पूजा अर्चना, भक्तिमय हुआ माहौल। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 10 परिवारों को डीएम ने सौंपी अनुग्रह राशि। तेज रफ्तार वाहन नहीं चलाने की अपील। दुर्गा पूजा और विसर्जन घाट की तैयारियों का डीएम ने लिया जायजा, दिए कई दिशा निर्देश। और पूजा को लेकर नवगछिया एसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक, पूजा समिति को सीसीटीवी लगाने के दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्र के छठे दिन शनिवार को भागलपुर के दुर्गा मंदिरों में मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान जिले के दुर्गा बाड़ी और काली बाड़ी समेत विभिन्न बांग्ला पूजा पंडाल में मंदिर का पट खुल गया, जिसके बाद भक्तों ने पूरे भक्ति भाव से मां महिषासुर मर्दिनी की पूजा की। वहीं इसको लेकर दुर्गा बाड़ी और काली बाड़ी में माता के दरबार में बांग्ला विधि से पूजा करते हुए ढोल डाक बजाकर देवी की आराधना की गई। इसके अलावा शहर के मुंदीचक, इशाकचक, फिकनपुर, मिर्जान हाट, मारवाड़ी पाठशाला, बरारी, तिलका मांझी समेत अलग अलग मोहल्ले के दुर्गा मंदिरों में पूरे उत्साह के साथ मां कात्यायनी की पूजा विधि विधान से की गई। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार कात्यायन ऋषि की पुत्री रूप में प्रकट होने के कारण इन्हें कात्यायनी नाम से इनकी ख्याति हुई। माता कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है और भगवान कृष्ण को प्रति रूप में पाने के लिए वज्र की गोपियों ने इनकी पूजा कालिंदी यमुना तट पर की थी। ये देवी वज्रमंडल की अधिष्ठात्री है और इनका स्वरूप अत्यंत चमकीला है, जबकि इनकी पूजा निष्ठा के साथ करने वालों को सुख समृद्धि मिलने के साथ जीवन में विशेष कृपा प्राप्त होती है। रविवार को मां के सप्तम स्वरूप कालरात्रि की पूजा की जाएगी, जिसके साथ ही सभी पूजा पंडालों में भक्तिपूर्ण माहौल के बीच मेला का भी शुरुआत हो जाएगा। जिले में सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह ने शनिवार को समीक्षा भवन में सहायता राशि का चेक प्रदान किया। इस दौरान डीएम ने 10 आश्रित परिवारों को 5-5 लाख का चेक सौंपकर संतावना दिया और इस राशि का सदुपयोग करने की बात पीड़ित परिवार के लोगों को कही। वहीं इसके बाद जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह ने बताया कि दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके परिवार को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जबकि कई बार घर के कमाऊ व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो जाने से उसके परिवार में बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। डीएम ने कहा कि इस तरह के मामलों में परिवहन विभाग की ओर से 5 लाख की सहायता राशि देने का प्रावधान है, जिसे स्वीकृत कर आश्रितों को दे दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु हो गई है। इसके अलावा डीएम ने लोगों से तेज रफ्तार बाइक नहीं चलाने और ट्रैफिक नियमों का हमेशा पालन करने की अपील भी की। देखिए, दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि बहुत दुखद होता है परिवार के लिए, और परिवार के कई बार ऐसा होता है कि जो कमाऊ सदस्य होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, परिवार पर आर्थिक जो है वो एक समस्या खड़ी हो जाती है, तो उसी कड़ी में 5 लाख रुपया जो है वो दिए जाने का प्रावधान परिवहन विभाग की तरफ से बनाया गया है। पहले आपको पता है कि 4 लाख रुपया आपदा प्रबंधन विभाग से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर दिया जाता था, तो अब परिवहन विभाग 5 लाख रुपये का भुगतान आश्रितों को करता है। तो उसी कड़ी में आज हम लोगों ने 11 जो ऐसे आश्रित हैं जिनके घर में किसी की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई है, उनको 5-5 लाख रुपये का स्वीकृति पत्र हम लोगों ने उपलब्ध कराया है, और ये ट्रेजरी में बिल आज ही चला जाएगा, और अगले एक सप्ताह में मैक्सिमम बता रहा हूँ कि छुट्टियाँ हैं, अगले 2-3 दिनों में संभवतः राशि उनके खाते में चली जाएगी। तो निश्चित रूप से ये उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, और जो भी कोई आर्थिक परेशानी उनके परिवार में रहेगी उसको इससे समाधान करने में वो सफल होंगे। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात शनिवार को दुर्गा पूजा और प्रतिमा विसर्जन की तैयारी को लेकर मुसहरी गंगा घाट पहुंचे, जहां डीएम ने घाट का जायजा लेकर अधिकारियों को मां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए गंगा घाट पर सारी तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया। इस दौरान डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि दुर्गा पूजा चल रहा है और इसके लिए लगने वाले मेला और प्रतिमा विसर्जन की तैयारी प्रशासन और पूजा समिति के स्तर से की जा रही है। डीएम ने कहा कि पूजा के बाद
प्रतिमा का विसर्जन गंगा में नहीं होगा और इसके लिए वैकल्पिक उपाय करते हुए प्रशासन के निर्देश पर कृत्रिम तालाब बनाया जा रहा है, जिससे गंगा की स्वच्छता के साथ पर्यावरण का भी ख्याल रखा जा सके। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि समय पर शांतिपूर्ण माहौल में विसर्जन संपन्न करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है, जबकि सभी पूजा समितियों को भी इसमें सहयोग के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अलावा बदले गए रूट और नए आदेश के अनुसार ट्रैफिक व्यवस्था का संचालन करने के साथ इसका पूरी तरह से पालन कराने का भी निर्देश जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिया। पूजा को लेकर के सारी तैयारियां जो है वो अंतिम चरण में है। डेपुटेशन ऑर्डर दोनों पुलिस जिला का, भागलपुर और नवगछिया का जो है वो निकल गया है। अतिरिक्त पुलिस बल भी हम लोगों को मिला है और मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं। विसर्जन स्थल को हम लोग देखने के लिए आए हैं। आप लोगों को पता है कि नदियों में अब विसर्जन नहीं होना है, जो NGT की गाइडलाइन है, तो उसी के अनुरूप नगर आयुक्त साहब यहाँ पर एक जो है कृत्रिम तालाब का निर्माण करा रहे हैं। वैसे आगे आने वाले साल में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि एक यहाँ परमानेंट तालाब जो है वो बन करके तैयार हो जाए, तो उसके लिए भी स्थल चयन हो गया है। स्मार्ट सिटी के तहत वो काम होना है, तो वो भी अगले विसर्जन से पहले जो है अगले साल के वो बन करके तैयार हो जाएगा, तो ये समस्या जो है बहुत हद तक दूर हो जाएगी। और इसके अलावा जो एक फिनिशिंग टच देना होता है, जहाँ कोई कमी है किसी भी विभाग की, तो उसको भी विभाग के पदाधिकारी देख रहे हैं ताकि ससमय सारी तैयारियाँ पूरी। नवगछिया अनुमंडल कार्यालय में दुर्गा पूजा को लेकर नवगछिया SP श्याम कुमार सरोज और DSP मुख्यालय दिलीप कुमार की मौजूदगी में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न मेला समिति के लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न गांव में होने वाले दुर्गा पूजा समारोह को लेकर वहां के प्रतिनिधियों के साथ अलग अलग लोगों ने अपनी बात रखी। बैठक में नवगछिया SG उत्तम कुमार ने बताया कि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच दशहरा पर्व मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न पूजा समितियों को मेला परिसर और मंदिर के गर्भगृह में CCTV कैमरा लगाने का निर्देश दिया गया है और जिन पूजा समितियों के पास कैमरा उपलब्ध नहीं है वहां पर प्रशासनिक स्तर से भी कैमरे लगाए जा रहे हैं। SDO ने कहा कि अक्सर भीड़भाड़ में छिनतई की घटना हो जाती है और इस पर नजर रखने को लेकर सादे लिबास में पुलिस कर्मियों की तैनाती की जा रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न जगहों पर यातायात पेयजल और चिकित्सा व्यवस्था की जा रही है। जवारीपुर स्थित वृंदावन भवन में अंग प्रतिभा खोज 2022 Season 3 का समापन पुरस्कार वितरण सह सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हो गया। समापन कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ युवा समाजसेवी विजय कुमार यादव, बीना यादव, रतन मंडल, प्रशांत विक्रम एवं अन्य आगत अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। अंग प्रतिभा खोज में संगीत, चित्रकला, डांस, मॉडलिंग सहित कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सैकड़ों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सभी अतिथियों ने प्रतियोगिता की खूब सराहना की और कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा और उन्हें अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर भी मिलेगा। कार्यक्रम को लेकर आयोजक विजय कुमार यादव ने बताया कि हम सबों को समाज में इस तरह का आयोजन करते रहना चाहिए ताकि हमारे बच्चे को एक मंच मिले और हम उन्हें अधिक से अधिक प्रोत्साहित कर सकें। उन्होंने प्रतियोगिता में शामिल सभी प्रतिभागी बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर लकीराज, संजय शाह, अभिनंदन यादव, आशीष कुमार सहित कई प्रतिभागी एवं दर्शक मौजूद रहे। जी बिल्कुल, ये अंग प्रतिभा खोज कार्यक्रम है, इसमें जो है अभी लगातार जो है 16-17 आगामी जो है 16-17 तारीख को 3 दिन कार्यक्रम हुआ था, जो बच्चे की जो है जिसमें फ्यूज का कार्यक्रम था, डांसिंग था, मॉडलिंग था, सिंगिंग था, विभिन्न तरह के कार्यक्रम जो है इसमें विभिन्न स्कूलों से आए हुए बच्चे भाग लिए थे। और उस कार्यक्रम में जो भी बच्चे प्रतिभागी जो भाग लिए थे वो जो आज उसका रिजल्ट में जो उनको सम्मानित किया जाएगा और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हुए हैं उन लोगों को सम्मानित किया है। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, उनका भी आयोजन है और इस बच्चे को प्रतिभा को जो है सम्मान करने के लिए कार्यक्रम का जो है रखा गया है। आप तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए Silk TV। Let me out, I wanna play.
politics. Wanna dream freedom till I'm sick. Blow off steam, baby, feel the air. Never going back in, just leave me here. Run it up, live it up. आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर में चोरी की घटना जैसे आम बात हो गई हो, हर कुछ दिन में छोटी बड़ी चोरी को चोर अंजाम देकर 9-2-11 हो जाते हैं। ताजा मामला सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के अबचूगंज का है, जहां चोर ने दिन दहाड़े आटा चक्की मिल से चक्की की चोरी कर ली। वहीं जब आटा चक्की मालिक की नज़र जैसे ही चोर पर पड़ी तो वह उसे चकमा देकर कासिमपुर गाँव की तरफ भाग निकला। वहीं जब मालिक द्वारा शोर मचाया गया तो ग्रामीणों ने खदेड़ कर चोर को पकड़ लिया और मौके पर जमकर धुनाई कर दी। वहीं इस घटना की जानकारी शुभम कुमार ने स्थानीय पुलिस प्रशासन को दी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर चोर को गिरफ्तार कर थाने में ले गई। घटना को लेकर आटा चक्की मिल के मालिक शुभम कुमार ने बताया कि चोर हमारे आटा चक्की मिल से 5,000 रुपये की चक्की चुरा कर भाग रहा था, तभी किसी तरह ग्रामीणों ने कासिमपुर गाँव के बगीचा से खदेड़ कर उसे पकड़ लिया। चोर की पहचान गणेश यादव के पुत्र गोविंदा यादव के रूप में हुई है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। लोहा का चक्की था हमारे पास, एक टोटा टोटा के भाग रहा था, इसको पकड़े आगे जा करके चुराया है चक्की, आटा चक्की का होता है, अभी तुरंत तुरंत चुराया 10 मिनट पहले। कितने का है कीमत? होगा 5,000 लमसम। 5,000 का? 5,000 हाँ। कहाँ का रहने वाला? ये हमको नहीं बताया अभी, नहीं बताया। पकड़े कहाँ से? आगे कासिमपुर मोड़ से। अगर आप कम कीमत और अच्छे क्वालिटी के साथ फेमस दुकान से कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं तो भागलपुर ततारपुर स्थित PCC कंप्यूटर सेंटर का नाम सबसे आगे आएगा। दरअसल दुकान के मालिक मोहम्मद सलाम का कहना है कि उनकी दुकान में उच्चतम क्वालिटी की अलग ब्रांड के सेकंड हैंड लैपटॉप सस्ती कीमत पर मिल जाती है, जिसमें किसी तरह की कोई तकनीकी खराबी भी नहीं होती है। उन्होंने कहा कि इच्छुक और ज़रूरतमंद लोग लैपटॉप के अच्छे मेंटेनेंस के कारण उनके यहाँ दूर दराज से लैपटॉप की खरीदारी के लिए आते हैं। वहीं दुकानदार सलाम ने बताया कि किफ़ायती कीमत के साथ लैपटॉप के ख़राब होने पर उनके द्वारा फ्री सर्विस भी मुहैया कराई जाती है, जिससे लोगों को सर्विसिंग के लिए अतिरिक्त पैसे नहीं देने पड़ेंगे। फिर क्या है कि हमारे पास यूज्ड एंड रिफर्बिश लैपटॉप का एक बहुत ही बड़ा जो है ना स्टॉक है, बहुत लार्ज जो है ना क्वान्टिटी में और बहुत ही हायर कन्फिग्रेशन तक का लैपटॉप हमारे पास उपलब्ध है। ये सारे एक्चुअली यूज्ड एंड रिफर्बिश लैपटॉप होते हैं, बड़े बड़े कंपनी और प्रोजेक्ट का चला हुआ होता है। इसकी कन्फिग्रेशंस की अगर बात करें तो हमारे पास वह लैपटॉप भी है जो कि मार्केट में नए में अभी अवेलेबल नहीं है, जैसे कि हमारे पास 16 GB और 32 GB रैम तक का और SSD HDD दोनों NVMe वाला लैपटॉप भी अपने पास उपलब्ध है। उसी प्रकार से अगर जनरेशन की अगर बात करें तो जनरेशन में अपने पास जो है ना ऐसा सब लैपटॉप्स उपलब्ध है, जैसे कि अभी नया में 11 जनरेशन भी आ रहा है, तो हमारे पास यूज्ड में भी जो है ना 9, 10 और 11 जनरेशन तक का लैपटॉप्स आ रहा है यूज्ड में, जिसकी प्राइजेस सर मार्केट में लैपटॉप्स की हम कोई भी अगर कोर i5 की बात करें जो हम लोगों को 12,000-13,000 में लैपटॉप प्रोवाइड करते हैं, उस लैपटॉप को अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट यूज्ड में ही रिफर्बिश के ही नाम पर ही वो 24,000 और 25,000 में बेचते हैं, हम 12,000-13,000 में देते हैं सर।
भारत को स्वच्छ और हरा भरा रखने के उद्देश्य से एक युवक छत्तीसगढ़ से साइकिल यात्रा पर निकला है। इस मुहिम की शुरुआत करने वाले युवक का नाम है योगेश कुमार मरकाम, जो महज 24 वर्ष के हैं। बता दें कि युवक ने अब तक 18 राज्य की यात्रा साइकिल से तय कर चुका है और इसी कड़ी में वो शनिवार को साइकिल यात्रा के दौरान योगेश भागलपुर पहुंचा। इसको लेकर योगेश मरकाम ने बताया कि इस यात्रा की शुरुआत उन्होंने अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए 6 महीने पूर्व अपने गांव से की थी और अब तक उन्होंने 12,000 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय कर ली है, जबकि उनका लक्ष्य देश के सभी 29 राज्यों का भ्रमण करने की है। योगेश ने कहा कि वे अब आगे का सफर पश्चिम बंगाल से करेंगे, जिसके बाद वे असम समेत कई अन्य राज्यों की ओर रवाना हो जाएंगे। योगेश ने बताया कि तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों की यात्रा उन्होंने कर ली है और 10 दिन पहले वह बिहार पहुंचे हैं। साथ ही उन्होंने बिहार की छवि और यहाँ के लोगों के बारे में सराहना करते हुए कहा कि दूसरे राज्यों में बिहार के बारे में गलत सोच बना ली गई है, जो बिल्कुल गलत है, और यहाँ उन्हें लोगों का भरपूर सहयोग और प्यार मिला। योगेश ने बताया कि उनके भारत भ्रमण का मुख्य उद्देश्य है कि भारत को स्वच्छ और हरा भरा बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक किया जा सके। हालांकि यह कार्य काफ़ी कठिनाइयों से भरा है, लेकिन उनके अब तक के सफर में उन्होंने आस नहीं छोड़ी। वहीं छोटी सी उम्र में गांव से ताल्लुकात रखने वाले योगेश के प्रयास की हर ओर सराहना हो रही है। सबसे पहले तो आपका दिल से धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूँ, मेरा नाम है योगेश कुमार मरकाम और छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव ग्राम लिखमा डिस्ट्रिक्ट धमतरी से मैं बिलोंग करता हूँ और मैं पूरा भारत भ्रमण करने के लिए निकला हूँ। और मैं 26 मार्च को मेरा इस जर्नी को मैं स्टार्ट किया था। मैं अब कुछ करना चाहता था लाइफ में, अपने समाज और अपने मम्मी पापा का मेरे को मतलब नाम रोशन करना था कि यार उनके लिए कुछ करूँ। तो मैं सोचता था कि यार ऐसा क्या करूं। तो हमारे गुरु हैं साइकिल बाबा, जिन्होंने इस वक्त घूम रहे हैं, अभी भी घूम रहे हैं, उनको देख के मेरे अंदर भी मोटिवेशन आया कि मेरे को भी घूमना चाहिए भारत। और अभी तक मैं 18 राज्य घूमा हूं और 12,000 किलोमीटर अभी तक मैं ट्रेवल गया हूं साइकिल। क्या संदेश दिया है साइकिल के? मैं लोगों को मैं एक संदेश देता हूं, ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, भारत को स्वच्छ बनाओ, पेड़ लगाओ। लोगों को मैं यही बताता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, अपने एरिया को स्वच्छ रखो। और अपने छत्तीसगढ़ टूरिज्म को भी मैं प्रमोट करता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ आएँ। आप सभी को भी मैं निवेदन करता हूँ कि वेलकम टू छत्तीसगढ़। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शारदीय नवरात्र के छठे दिन माँ के षष्ठम स्वरूप माँ कात्यायनी की हुई पूजा अर्चना, भक्तिमय हुआ माहौल। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 10 परिवारों को डीएम ने सौंपी अनुग्रह राशि। तेज रफ्तार वाहन नहीं चलाने की अपील। दुर्गा पूजा और विसर्जन घाट की तैयारियों का डीएम ने लिया जायजा, दिए कई दिशा निर्देश। और पूजा को लेकर नवगछिया एसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक, पूजा समिति को सीसीटीवी लगाने के दिए निर्देश। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।